नमस्कार दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कथा में कहे गए कुछ वाक्य आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, रविवार के दिन आप शाम को यह उपाय करेंगे तो आपके धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में ग्रह कलेश हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, या फिर आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, तो भी यह उपाय आप जरूर करें। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। इसके लिए आपको 2 चौमुखी दीपक बनाने हैं। दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए, 4 बातियां होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया है। सेम ऐसी ही बाती आपको लगानी है और याद रहे दोनों दीपक में गाय के घी से ही प्रज्वलित होने चाहिए, यानी गाय का घी ही होना चाहिए दोनों दीपक में। आप इन दोनों दीपक को शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको यह कार्य करना है। मान्यता है कि इस दिन रविवार के दिन यह उपाय करा जाएगा तो माता लक्ष्मी आप पर बहुत जल्द प्रसन्न होंगी। शाम को आप अपने घर के सबसे बाहर वाले गेट पर जाएं, मेन गेट जिसे कहा जाता है, वहां पर जाकर आपको वहीं जाकर दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। 4 दीपक होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह कार्य आपको शाम को ही करना है। रविवार के दिन आप यह कार्य करें, आपको सुख समृद्धि और धन की जरूर प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आप लोगों तक हम पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण के दौरान कहे गए कुछ उपाय और कुछ अच्छे वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारे इन वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा और इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कहे गए उपाय जरूर पहुंचाएं। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया उपाय डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस उपाय को करके अपने जीवन में आ रही कठिनाइयां परेशानी दूर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।